हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आई होप आप सब अच्छे हैं और हम भी अच्छे से हैं। आज मैं हैदराबादी पनीर बनाने जा रही हूँ। तो कढ़ाई चढ़ा दिया है, तो मैं ग्राउंडनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ, वो डाल रही हूँ। एक डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। ये 200 ग्राम्स का पनीर है, इसको मैं ऐसे ही फ्राई कर दूँगी। काजू और गार्लिक जो है अच्छे से फ्राई हो गया है, मैं निकाल दे रही हूँ। इसको ठंडा होने के बाद ग्राइंड करेंगे और साथ में ये पुदीना और ये धनिया, इसको ऐड करके एक अच्छा सा पेस्ट बनाएंगे। इसमें थोड़ा दही ऐड करके ग्राइंड करेंगे। टमाटर नहीं डाल रहे हैं, तो दही डाल के हम इसका पेस्ट बनाएंगे। और इसमें थोड़ा पानी भी जाएगा। ज़्यादा लिक्विड करने से जब हम फ्राई करेंगे मसाला तो चटकने लगेगा, तो ये कंसिस्टेंसी तो ठीक लग रहा है। तो तेल में कुछ खड़े मसाले डालेंगे। दालचीनी, बड़ी इलायची, हरी इलायची, काली मिर्च और ये जीरा। अच्छे से भुनेंगे। पाउडर मसाले डालेंगे, हल्दी पाउडर। इसमें ना हमने जब प्याज लहसुन फ्राई किया तो ग्रीन चिली भी फ्राई कर सकते हैं, पर बच्चों को थोड़ा तीखा लगेगा तो मैंने स्किप किया है। तो लाल मिर्च डालेंगे, धनिया पाउडर, ये जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, चिकन मसाला और ये लास्ट में थोड़ा सा घर का गर्म मसाला। पानी डालेंगे, इसको थोड़ी देर कवर करके पकाएंगे। कसूरी मेथी लास्ट में ऐड कर दिया।
चाहे तो स्टेज पे थोड़ा क्रीम डाल सकते हैं, पर मैंने नहीं डाला है, ऐसे ही अच्छा लगेगा।